समिता सेट्टी ने अपनी बहन शिल्पा सेट्टी के चैट शो सेप ऑफ यू पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में भी बताया। समिता सेट्टी ने स्वीकार किया कि अब भले ही वह शांत हो गई हों, लेकिन एक वक्त था जब वह अपनी बाहों को लेकर बेहद सचेत रहती थी। वह इतना सचेत थी कि उन्होंने स्लीवलेस टॉप पहनने से मना कर दिया। इस तरह की इनसिक्योरिटीज ने उन्हें डिप्रेशन की ओर ढकेल दिया। वे जीवन में नई चुनौतियों का सामना करने के साहस के साथ बहुत स्ट्रांग होकर बाहर आई। समिता ने आगे बताया कि भले ही उन्होंने अपने जीवन में उस स्टेज को पार कर लिया हो, लेकिन वे निरंतर अपनी मानसिक सेहत की जांच कराती रहती हैं ताकि वे फिर से डिप्रेशन में ना जाएं। समिता ने अपने फिटनेस को लेकर अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ नियमों के बारे में भी बताया। बिग बॉस 15 में नजर आ चुकी समिता इन दिनों अपने वर्क कमिटमेंट और फोटोशूट में बिजी है। वह बिग बॉस OTT के दौरान राकेश बापट से मिली थी। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शो से बाहर आने के बाद राकेश बापट के साथ उनके ब्रेकअप की लगातार चर्चाएं होती रही, लेकिन दोनों ने अफवाहों को खारिज कर दिया। समिता सेट्टी और राकेश ने ऐसी अफवाहों से प्रभावित होकर अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखना बेहतर समझा। वे पब्लिक प्लेस में कम ही नजर आ रहे हैं, हालांकि वे कभी कभार एक दूसरे के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हैं, जो उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है।